हे गाइस, दिस इज़ रघुया। हम लोग कल का टॉपिक वापस कंटिन्यू करते हैं, कोरोजन रिमूवल असेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एंड टुडे सेशन हम लोग कोरोजन इन फेरस मेटल के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट फेरस मेटल में कोरोजन को कैसे रिमूव किया जाता है, बेसिकली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक फेरस मेटल के अंदर जो होता है, टिपिकली एटमोस्फेरिक कोरोजन होता है। मतलब वाटर, एक फेरस मेटल के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन उसके ऊपर आया, तो टिपिकली ज़्यादातर केस में, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसी की वजह से कोरोजन होगा, ज़्यादातर केस में एटमोस्फेरिक कोरोजन ही होता है। एंड इनको बचाने के लिए टिपिकली हम लोग ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव कोटिंग वो सब लगाया जाता है, लेकिन गलती से अगर वो एक्सपोज होता है तो टिपिकली उसकी वजह से कोरोजन होने का चांस होता है। टिपिकली उसको पेंटिंग करके वैसे अलग अलग तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ़ इट ऑल कुछ ओपनिंग रह जाता है तो नॉर्मली उसके ऊपर कोरोजन होता है। एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ एनी फेरस मेटल या एनी मेटल इन जनरल इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आता है टिपिकली एयरक्राफ्ट में कोरोजन कब आता है, करके पूछोगे कौन सी जगह में टिपिकली कोरोजन आता है फेरस मेटल के केस में। ज़्यादातर सबसे पहले स्टार्टिंग जो है हमेशा बोल्ट हेड्स के ऊपर, नट्स जो रहते हैं, राउंड हेड नट्स जो रहते हैं वो टिपिकली फेरस मेटल का बनता है, तो वो वाले मेटल के ऊपर होगा। या कोई और अनप्रोटेक्टेड हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं, फिटिंग जो रहते हैं, नट्स बोल्ट रिवेट्स जितने भी हैं, अगर वो स्टील का बना हुआ है वो सब जो है वो जगह पे स्टार्टिंग्स में वो ही जगह पे कोरोजन होता है। इन रियल सेंस ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, स्टार्टिंग एसेंस में अगर थोड़ा बहुत कोरोजन होता है इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस, बट अगर वो रस्टेड उसमें जो रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप स्टार्टिंग स्टेज में ठीक नहीं करते तो इन दैट केस वो बाकी सारे पार्ट्स को कंटामिनेट करना शुरू करेगा। ये रस्टेड पार्टिकल जो है अगर कोई और कंपोनेंट के उधर गिरा एंड वो कंपोनेंट भी फेरस का बना हुआ है, इन दैट केस उसमें कोरोजन होना शुरू करता है। इट इज़ समवॉट लाइक फैलता जाएगा, एक साइक्लिक मोशन शुरू हो जाएगा एंड कोरोजन जो है फैलता जाएगा, इट इज़ क्वाइट डेंजरस। सो नेक्स्ट आता है, जब आप रस्ट आपको स्टार्टिंग में ही अगर आपको इंडिकेट हो रहा है तो समझ जाना आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपके एयरक्राफ्ट का कोई कंपोनेंट को मेंटेनेंस की ज़रूरत, थोड़ा बहुत भी दिखाई देता है तो स्टार्ट मेंटेनेंस ऑपरेशन, वरना आगे जाके एक डिजास्टर्स रूप ले सकता है। पेंट फेलियर या मैकेनिकल फेलियर भी, इवन पेंट अगर कोई पेंट निकल गया तो भी कोरोजन हो सकता है, कोई मैकेनिकल डैमेज स्क्रैचेस हो गया, कोई लोड गिर गया, हीट ट्रीटमेंट क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ये सब के वजह से भी कोरोजन डेवलप हो सकता है। या पहले से थोड़ा बहुत भी अमाउंट में कोरोजन है तो भी डेंजरस होता है, तो भी एक बड़ा कोरोजन को दावत रह सकता है, तो आपको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर तो ये सब हुआ तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए ताकि कोरोजन का जो असर है, ओवरऑल फैलाव जो है उसको कम से कम कर सकें। तो दिस इज़ ये नॉर्मल दो पिक्स है जिसके अंदर आप कोरोजन होते आप देख सकते हैं। एक बार आपने रस्ट को रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आप एक बार वापस एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कोई और जगह में रस्ट रहा कि नहीं, वो सब चेक करोगे। एंड एक बार चेक करने के बाद आप कितना डैमेज असेसमेंट वो सब भी करना पड़ेगा आपको। तो दिस आर द टू पिक्स, इसके अंदर रस्ट को होते हुए देखिए, ये स्टार्टिंग में ये वाले एंड में होगा एंड थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा फैलेगा। एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल पार्ट जो यहाँ पे कोरोजन होते हुए आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल पार्ट कंपोनेंट है एयरक्राफ्ट का जो बाहर से एक फेरस मटेरियल का बना हुआ है एंड आप देख सकते हैं कंपोजिट है, दिस इज़ अ कंपोजिट नेचर का है एंड ये कोरोडर पार्ट जो है आगे जाके अंदर जाता रहता है। एंड हाँ, नेक्स्ट आता है मैकेनिकल रिमूवल। इसमें अभी तीन हिस्सों में बताया गया है एक फेरस मेटल के अंदर से रस्ट कैसे रिमूव किया जाता है, मैकेनिकली कैसे रिमूव करोगे ये एक पर्टिकुलर टॉपिक बनता है, केमिकली कैसे रिमूव करोगे वो एक टॉपिक बनता है, एंड अगर रस्ट जो है वो एक जो रस्ट जो है एक स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से हुआ है, इवन लोड गिरने की वजह से हुआ, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से अगर रस्ट क्रिएट हुआ रस्ट
हुआ है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए अलग से टॉपिक बताया गया। तो तीन टॉपिक में बताया गया है। सो लिसन, पहला आता है आपका मैकेनिकल रिमूवल ऑफ रस्ट। इस केस में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एटमोस्फेरिक कोरोजन है। एटमोस्फेरिक कोरोजन के केस में आप मैकेनिकल रिमूवल कर सकते हैं। तो अगर आप इवन ये इस केस में आप एब्रेसिव पेपर्स, स्मॉल बफर्स यूज, स्मॉल पावर बफर यूज़ कर सकते हैं, बफिंग कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, वायर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, स्टील वुल यूज़ कर सकते हैं। बर्तन मांजने के लिए स्टील वुल यूज़ किया जाता है, तो वो वाला वुल आप इस केस में यूज़ कर सकते हैं। बफिंग कंपाउंड, बफिंग के लिए नॉर्मल हम लोग पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, बफिंग टूल्स आते हैं उसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वो बफिंग टूल जो है आप मैकेनिकल रिमूवल ऑफ रस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप वायर ब्रशेज आते हैं, वायर ब्रश को भी आप यूज़ किया जा सकता है रस्ट को रिमूव करने के लिए। जब आप ऐसे यूज़ करते हैं तो आप को एब्रेसिव, एनी एब्रेसिव पार्टिकल को आप एब्रेसिव सैंड पेपर्स वो सब भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप गलत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखा गया है, जब आप रस्ट को रिमूव करते हो तो पिट्स के अंदर जो अभी फॉर एग्जांपल सरफेस में रस्ट है आप रिमूव कर रहे हो, ये रस्ट जो है सरफेस में तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन पिट्स एंड क्रिवाइसेस जो ओपनिंग्स, छोटे छोटे ओपनिंग्स जो होते हैं उसके अंदर जो ये रस्ट जो है फंस जाता है। एंड टिपिकली वैसे टाइप के रस्ट को रिमूव करना मुश्किल होता है। इसके लिए एक चीज़ बोला गया है, जब भी आप रस्ट को रिमूव करो तो न्यूट्रलाइजर यूज़ करके आप पिट एंड न्यूट्रलाइजर केमिकल्स होते हैं, सर्टेन केमिकल्स को यूज़ करके आप पिट्स एंड क्रेवाइसेस में जो रस्ट है उसको आप न्यूट्रलाइज करके आप काम अपना बचा सकते हैं। लास्ट में पॉलिशिंग करना ज़रूरी है। एंड एक बार आप ये सब हो गया तो उसके बाद आप क्लीन करके वापस, अगर आप पॉलिशिंग ठीक से नहीं करते, क्लीन ठीक से नहीं करते, ये कोरोजन जो है वापस होगा एंड इस बार और फास्ट होगा। सो यू सी टू इट दैट यू आर क्लीनिंग ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट आता है, आप नॉन वूवन एब्रेसिव पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन वूवन एब्रेसिव पैड लुक समवेयर लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है। बर्तन मांजने के लिए आप यूज़ करते हैं ये सब, तो ये ऐसा दिखाई देता है। इसको नॉन वूवन एब्रेसिव पैड्स बोला जाता है। इसको हम लोग यूज़ करके नॉर्मल हम लोग रस्ट रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये कुछ पैड्स आते हैं जैसे फ्लैप व्हील्स भी यूज़ कर सकते हैं। पैड्स इंटेंडेड फॉर यूज़ विथ रोटरी एंड ऑसिलेटिंग पावर टूल्स, उसे यूज़ कर सकते हैं। हैंड हेल्ड नॉन वूवन एब्रेसिव पैड्स मैंने बोला था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैप व्हील समवॉट लुक समवॉट ऐसा दिखाई देता है, फ्लैप व्हील ऐसा दिखाई देता है। रोटेटिंग डिवाइसेस रहते हैं जिसको आप ग्राइंडिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, रस्ट रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैप व्हील। एंड पैड्स विद ऑसिलेटिंग पावर टूल्स मैंने बोला था, आपने ये देखा होगा कि दिस व्हील ये प्रैक्टिकली वाइब्रेट होता है। एंड जहाँ जहाँ रस्ट हुआ है उधर आप रखो ऑयल एंड वाटर को या कूलेंट को आप नीचे डालते जाइएगा एंड इट विल वाइब्रेट एंड रस्ट रिमूव होते जाएगा। दिस इज़ वन टाइप ऑफ टूल जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ पैड्स विथ ऑसिलेटिंग पावर टूल्स बोलते हैं, एंड फ्लैप व्हील इसे बोला जाता है, एंड नॉन वोवेन एब्रेसिव पैड्स, दिस इज़ अ नॉन वोवेन एब्रेसिव पैड जिसे हम लोग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है केमिकल रिमूवल ऑफ रस्ट। केमिकल्स से हम लोग रस्ट को कैसे रिमूव करते हैं। द कॉस्टिक केमिकल्स भी आते हैं लेकिन कॉस्टिक केमिकल जो होते हैं टिपिकली एनवायरमेंटल हजार्डस होते हैं। आजकल हम लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनने के लिए हम लोग नॉन कॉस्टिक केमिकल रस्ट रिमूवल यूज़ करते हैं आजकल के केस में। एंड और एक चीज़ तुम लोगों को याद रखना है कि ऑक्साइड, हम लोग कुछ केमिकल्स आए हैं जिसे हम लोग यूज़ कमर्शियली उसको प्रोडक्ट अब मार्केट में है, जिससे आप फेरस सरफेस को, प्योर आयरन सरफेस को इफेक्ट ना करते हुए, उसको पर इचिंग कोई ये क्रिएट ना करते हुए आप रस्ट को रिमूव करने के केमिकल्स आ चुके हैं मार्केट में। आप उसको अच्छे खास से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द रस्ट विदाउट इफेक्टिंग द बेस मेटल,
दैट आयरन वाली पोर्शन को या स्टील वाले पोर्शन को इफेक्ट किए बिना आप रस्ट रिमूव करने वाले केमिकल्स आ चुके हैं मार्केट में, आप उसे यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। टिपिकली आप केमिकल्स अगर यूज़ कर रहे हो तो हो सके तो आप वो पर्टिकुलर कंपोनेंट में जहाँ रस्ट हुआ है वो कंपोनेंट को आप रिमूव करके, आप उधर से रिमूव करके आप इंस्पेक्शन कीजिएगा, रस्ट रिमूव कीजिएगा, स्पेशली आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो वो कंपोनेंट को रिमूव कीजिए, उसके बाद आप केमिकल ट्रीट कीजिएगा। एज इट कैन बी इम्पॉसिबल टू रिमूव रेसिड्यू, बिकॉज ऐसे केस में जो है रेसिड्यू को रिमूव करना मुश्किल होता है अगर कंपोनेंट्स में लगा वो फिटेड है एंड आप केमिकल यूज़ करके अगर आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ रेसिड्यूज़ हमेशा रह जाते हैं, रेसिड्यूज़ को रिमूव करना मुश्किल है, स्पेशली केमिकल रेसिड्यू। अभी केमिकल रेसिड्यू उधर ही रह गए तो आगे जाके आपके कंपोनेंट्स को हजार्डस हो सकता है, एंड उसको एक आइसोलेटेड एरिया में जाके आप इंस्पेक्शन कीजिएगा, सी टू इट दैट कोई आसपास जो नॉन फेरस मेटल जो है उसके आसपास ना हो, एंड आप उसका डायमेंशन भी एक बार चेक कीजिएगा, एक बार आपने ये केमिकल उसके ऊपर अप्लाई किया, एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर डायमेंशन भी करना पड़ेगा आपको, डायमेंशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आया क्या नहीं आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है केमिकल सरफेस ट्रीटमेंट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट इस केस में क्या बात करते हैं कि रस्ट को आप टिपिकली, ये रस्ट जो होता है मटेरियल का थिकनेस डिक्रीज करता है, एंड ये जो साइक्लिक होता है वो एक रस्ट फॉर्म होता है तो निचले हिस्से को और कोरोजिव बनाता है। अगर आप ये रस्ट को एक फॉस्फेट में, रस्ट इज़ नथिंग बट ऑक्साइड, अगर आप रस्ट को फॉस्फेट में या कोई और प्रोटेक्टिव कोटिंग में कन्वर्ट कर पाते हो तो आप फर्दर कोरोजन को रोक सकते हो। सो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करेगा वो फॉस्फेट, अगर आप ऑक्साइड को फॉस्फेट में या कोई और प्रोटेक्टिव कोटिंग में कन्वर्ट करते हो तो दिस इज़ वन मेथड जिससे आप केमिकल सरफेस को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देर इज़ अनदर मेथड जिससे आप ये इफेक्टिव रस्ट कन्वर्टर वेयर टॉलरेंस आर नॉट क्रिटिकल, वैसे टाइप के कन्वर्टर्स भी होते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, थोरो रिंसिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड रेसिड्यू इज़ पॉसिबल, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आप असेंबल पार्ट में करोगे तो इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस हो सकता है। तुम लोग एंड पिट्स में, क्रिवाइसिस में वो रह गया तो अनकंट्रोल्ड कोरोजन होने का चांस है, तो इसलिए आप जब भी आप ये केमिकल्स यूज़ करें तो आप इसको डिसेंबल कीजिएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ कोरोजन फ्रॉम हाईली स्ट्रेस्ड स्टील, अगर उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस फॉर्म होते हैं या कोई ओवरहीटिंग हुआ है या कोई और कोई ड्रॉप गिरा है, कुछ बॉडी ड्रॉप हुआ, क्रैक फॉर्मेशन हुआ है, ये सब सिचुएशन में जहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ, जहाँ पे स्क्रैच है वहाँ पे उसके आसपास जो है कोरोजन होने का चांस होता है, तो विच इज़ पोटेंशियली डेंजरस होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस तो है उसका, एट द सेम टाइम कोरोजन भी होने की वजह से वो जो है वो क्रैक बढ़ेगा एंड वो ज़्यादा डेंजरस है, वो एयरक्राफ्ट कोलैप्स भी कर सकता है, एयरक्राफ्ट जो है कोलैप्स भी कर सकता है, सो यू शुड रिमूव इट एज मच एज पॉसिबल। आप इस केस में ज़्यादा लोड भी नहीं दे सकते, यू कैन नॉट अलाउ द, बिकॉज हम लोग इसके बारे में अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, वाई? बिकॉज कोरोजन के केस में अगर देखोगे बाकी सब केस में, नॉर्मल कोरोजन, एटमोस्फेरिक कोरोजन के केस में स्पेशली अगर कोरोजन रिमूव करते हो तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर को थोड़ा कम ज़्यादा होना हम लोग ज़्यादा केयर नहीं करते, बट इन केस ऑफ हाई स्ट्रेस स्टील जहाँ पे क्रैक्स डेवलप हुआ है उधर टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकते, बिकॉज पहले से स्ट्रेस्ड है, अगर आप टेम्परेचर और बढ़ने दोगे, बिकॉज बाई एंड ऑफ द डे आप एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव सर्फेस यूज़ करके आप कोरोजन रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वैसे केस में अगर टेम्परेचर रेज होने दोगे तो प्रैक्टिकली और स्ट्रेस बढ़ेगा, विच टिपिकली हमें नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हमें नहीं चाहिए रहता है। तो स्टील सरफेस नॉट बी ओवरहीटेड, सरफेस को आप हीट नहीं होने दोगे,
एंड आप कैसे रिमूव करोगे, फाइन ग्रिट एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रहते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं, फाइन बफिंग कंपाउंड्स आते हैं और क्लॉथ और बफिंग व्हील उसको यूज़ कर सकते हो, रोग यूज़ कर सकते हो, ये सब यूज़ करके आप ये सब क्या होता है दिखता है कैसे मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि फाइन ग्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज़ नथिंग बट अ सैंड पेपर, डू नीड नॉट टू थिंक टू मच, एंड फाइन बफिंग कंपाउंड्स होते हैं उसे यूज़ कर सकते हो, उसको आप प्रैक्टिकली आप बफिंग व्हील को थोड़ा रब करोगे, बफिंग व्हील पर रब करके आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से रिमूव करेगा एंड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेगा मेरी सरफेस के ऊपर। एंड नेक्स्ट आता ये सब करके आप कोरोजन रिमूव करोगे, एट द सेम टाइम टेम्परेचर को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ ग्रेट फाइन ग्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसे यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं, आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा इसको। नेक्स्ट आता है फाइन बफिंग व्हील कंपाउंड, इसको आप बफिंग व्हील को ऊपर रब करोगे एंड आप रस्ट रिमूव करने के लिए बफिंग व्हील को यूज़ कर सकते हैं। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट एल्यूमिनियम कोरोजन रिमूवल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। यह चलो बाय।